हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने कैलिक्स और करोला और उनके अरेंजमेंट के बारे में पढ़ा था और साथ ही ये भी देखा था कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जो किसी पर्टिकुलर फैमिली में ही पाए जाते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि स्टेमेंस, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है फ्लावर का, जिसे हम एंड्रूशियम कहते हैं या मेल पार्ट है फ्लावर का, उसके बारे में पढ़ेंगे। आपने देखा होगा कि जो मेल पार्ट है या जिसे हम एंड्रूशियम कहते हैं, उसकी जो एक इकाई है वो स्टेमन कहलाती है। ठीक है, ये जो स्टेमन कहलाती है, इसको यदि हम देखें तो एंड्रूशियम में या स्टेमन में क्या क्या चीजें होती हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। आप देखो, जैसे ये है हमारा एंथर, ठीक है, स्टेमन। इस स्टेमन में तीन पार्ट हैं, एक ये है, ठीक है, एक फिलामेंट है और एक फिलामेंट एंथर से जुड़ रहा है। तो इस तरह से तीन पार्ट हुए, एक हुआ एंथर लोब, दूसरा हुआ कनेक्टिव और तीसरा हुआ हमारा फिलामेंट। ये पूरा स्ट्रक्चर मिलकर के स्टेमन कहलाता है। ठीक है, और जितने भी स्टेमन होंगे किसी फ्लावर में वो सब क्या कहलाएंगे, एंड्रूशियम। ठीक है, तो अब ये जैसे हम ये तीन पार्ट देख रहे हैं, क्या क्या एंथर लोब्स हैं, ठीक है, फिलामेंट्स हैं और फिलामेंट्स एंथर से जो जुड़ रहा है उसको हम कहते हैं कनेक्टिव। तो ये सारी चीजें जो है वो डिफरेंट तरह की हो सकती हैं। ठीक है, जैसे मान लो हम सबसे पहले एंथर लोब लेते हैं, तो जनरली क्या होता है, इसमें दो लोब्स होते हैं। ठीक है, तो जब दो लोब होते हैं तो हम इनको कहते हैं डायथीकस, थीकस। ठीक है, यानी दो चैम्बर्स होते हैं। तो अधिकतर प्लांट्स में ये दो चैम्बर्स पाए जाते हैं। ठीक है, दो द्विकोशीय, द्वि है ना, पाली पाई जाती है, लोब्स पाए जाते हैं। लेकिन बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें एक ही लोब पाया जाता है। ठीक है, मैक्सिमम तो क्या पाए जाते हैं, दो लोब वाले, यानी डायथीकस। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें एक ही लोब पाया जाता है और वो किडनी शेप्ड है। ये यदि हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटें तो इसमें हमको सिर्फ एक ही लोब दिखाई देगा जिसमें पॉलन भरे हों। ठीक है, तो ये इसको कहलाते हैं, जब ये है तो इसको हम कहते हैं मोनोथीकस। ठीक है, तो डायथीकस और मोनोथीकस दो तरह के होते हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि डायथीकस तो बहुत सारी फैमिलीज में पाया जाता है और मोनोथीकस में किस में पाया जाता है, फैमिली मालवेसी में पाया जाता है, जो आप लोग फैमिली पढ़ते हैं। तो ये एंथर लोब का एक चैम्बर का होना भी एक करेक्टरिस्टिक फीचर है फैमिली मालवेसी का। ठीक है, अब हम यदि बात करें फिलामेंट का, ठीक है, तो आप ये देख रहे हो फिलामेंट लंबे भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ लंबे और कुछ छोटे भी हो सकते हैं। ये फिलामेंट आपस, कई सारे एंथर्स स्टेमेंस के फिलामेंट्स आपस में जुड़े हुए हो सकते हैं। तो इन जुड़ाव के कारण, इनकी लंबाई के कारण जो है हम इनको कई तरह से नामांकित करते हैं। जैसे मान लीजिए कि सारे के सारे एंथर्स जो हैं वो उनके फिलामेंट जो हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, और जुड़ करके यहाँ पर एक ये स्टेमिनल ट्यूब बना रहे हैं। ठीक है, एक स्टेमिनल ट्यूब बना रहे हैं और इनपे देखो ये एंथर्स लगे हुए हैं। इसमें क्या है, एंथर लोब्स तो फ्री हैं लेकिन फिलामेंट्स क्या हैं, उन सब ने आपस में अपने को जोड़ करके एक स्टेमिनल ट्यूब बना लिया है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं मोनो एडल्फस या एक संघी, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, एक संघी। ठीक है, और वैसे इसको हम क्या कहते हैं, मोनो एडल्फस। ठीक है, जैसे इन सारे स्टेमेंस ने जुड़ करके एक ग्रुप बना लिया, एक संघ बना लिया, तो हमने इनको क्या कहा, मोनो एडल्फस। लेकिन दूसरा क्या होता है, ये दो गुच्छे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो जब दो गुच्छे बनाते हैं तब इनको हम क्या कहते हैं, डाई एडल्फस। ठीक है, तो डाई एडल्फस किस में पाया जाता है, फैमिली पेपिलियोनेसी में, मटर कुल में। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये आपके नाइन
जो स्टेमेंस है वो आपस में जुड़ करके एक संघ बना लेते हैं और एक स्टेमेन जो है वो आपका अकेला रहता है। तो ये दो संघ कैसे बनाते हैं, 9+1। तो इसको हम क्या कहते हैं, द्विसंगी या डाइएजल्फस। ठीक है, अब क्या होता है, कई बार ये जो है ये बहुत सारे गुच्छे भी बना सकते हैं, है ना, जैसे कि फैमिली रूटेसी में। ठीक है, तब हम इनको कहते हैं पॉली एडल्फस। देखिये ये आपकी किताब में इन्होंने बनाया हुआ है, ये मोनो एडल्फस है, ये डाई एडल्फस है मटर का, और ये देखिए पॉली एडल्फस, इसमें क्या है, कई गुच्छे बने हुए हैं, इसमें कई गुच्छे बने हुए, एक गुच्छा ये है, एक गुच्छा ये, एक गुच्छा ये, एक गुच्छा ये, है ना, कई स्टेम्स के बंडल बने हुए हैं, तो हम इनको क्या कहते हैं, पॉली एडल्फस। ठीक है, तो एंथर्स के फिलामेंट्स के जुड़ाव के आधार पर हमने क्या कहा, मोनो एडल्फस, डाई एडल्फस और पॉली एडल्फस। ठीक है।